वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे जितने भी आने वाले वीडियो हैं आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, हम आ चुके हैं चंदौली ज़िले के मुगलसराय के यूरोपियन कॉलोनी में, जहाँ पे आपको बाकले फील्ड देखने को मिल जाएगा और यहीं पे बाकले जिम खाना भी देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, लगभग एक वर्ष बीत चुके हैं और आ चुका है दिसंबर माह। दिसंबर महीने की सबसे खास दिन होती है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, उसी का वीडियो हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं। तो हम आ चुके हैं यूरोपियन कॉलोनी में, जो कि ये रास्ता सीधे आपको चर्च की तरफ ले जाएगा। चर्च यानी जहाँ पे धूमधाम से ईसाई लोगों का त्यौहार मनाया जाता है, यही उनके पूरे दिनों का यानी पूरे त्यौहार में से सबसे बड़ा त्यौहार यह माना जाता है। और साथ ही साथ हमारे भारत में सभी धर्म के लोग इसे मानते हैं और काफ़ी तवज्जो भी देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं यूरोपियन कॉलोनी, जहाँ पे यह बालक तीर्थ यीशु स्थल है, जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और अंदर चल के आप सभी को दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। तो ये है गेट। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम गेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है जूते चप्पल उतार के आगे बढ़ें, क्योंकि यह काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है ईसाई लोगों का। सामने देख सकते हैं यह बहुत बड़ा फील्ड है, जो कि हमारे मुगलसराय यानी कि जो चर्च है, चर्च का ही यह ग्राउंड है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें लगभग 2-3 हज़ार लोग आसानी से आ जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा यानी कि काफ़ी सफाई हो गई है और रंग रोगन का भी काम बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। यहाँ पे लगभग हर तरह की वर्क कर लिए गए हैं और कुछ बचे हुए हैं तो उनको 5 से 6 दिन के अंदर कर लिए जाएंगे। सामने देख सकते हैं भगवान यीशु का यहाँ पे कई मूर्ति बना हुआ है, जो कि आप सभी के सामने हैं। यीशु तीसरी बार गिरते हैं, यहाँ पे जितनी बार वह गिरते हैं यानी कि अत्याचार जब उनके ऊपर होता है अन्य लोगों द्वारा, तो यहाँ पे जितनी भी क्रियाएं हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, सभी को इस मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया है। आप सभी देख सकते हैं जो पहले ज़माने में सिपाही हुआ करते थे, उनकी ही कुछ यातनाएं और प्रताड़ना भगवान यीशु के ऊपर दी गई थी और उन्हें काफ़ी सताया गया था। तो आप सभी देख सकते हैं एक क्रूस होता है फ्रेंड्स, जो कि एक्स के आकार का होता है, उसी के ऊपर भगवान यीशु को जबरन यहाँ पे किल्ली के द्वारा गाड़ दिया जाता है और ऊपर टांग दिया जाता है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इन्हें काफ़ी सताया जाता है। आप सभी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे हर एक टाइम को यानी होने वाले अत्याचार को यहाँ पे दर्शाया गया है मूर्तियों के माध्यम से। देखिए यहाँ पे भगवान यीशु डेड हो चुके हैं यानी कि मर चुके हैं, और यहाँ पे यह जो हमारे यूरोपियन कॉलोनी का यह सबसे पवित्र स्थान है ईसाई लोगों का, और वहीं पे मैं आप सभी को यह दिखा पा रहा हूँ। सामने देख सकते हैं ये बड़ा सा पत्थर है, जो कि सीमेंट और बाकी पत्थरों से मिलकर बना है, यहाँ पे पानी फ्लो होता है। सामने देखिए फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहाँ पे सभी लोग आना चाहते हैं और यहीं पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं श्रद्धा भाव से, और जितने भी लोग आते हैं वह कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। सामने देख सकते हैं ये चर्च है, जो कि उसका शिखर दिखाई दे रहा है।
इनका फ्रेंड्स चर्च जो होता है उसमें गुंबद कुछ भी नहीं होता है, उसे सीधे सपाट बनाया जाता है, जो कि आप सभी सामने देख सकते हैं। रंग रोगन होके पूरी तरीके से फील्ड, दीवार और यहाँ के ईसाई यानी कि चर्च तैयार हैं, और सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। बीच में यह घास जो कि काफ़ी साफ सुथरा नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। इन लोगों के द्वारा यहाँ पे एक स्कूल भी चलाया जाता है, जो कि यूरोपियन कॉलोनी के अंदर ही चलाया जाता है। देख सकते हैं आप सभी चारों तरफ का नज़ारा कि कितना खूबसूरत है। और मैं आप सभी को चलिए दिखाता हूँ कि यहाँ पे मोमबत्ती कैसे लगाया जाता है। ये एक एंगल का छड़ का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पे मोमबत्ती लगाया जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि भगवान यीशु के जितने भी वर्क हैं वो सभी यहाँ पे लगाए गए हैं। यातनाएं हैं प्रताड़ित होते हुए जितने भी चित्र थे यहाँ पे मूर्तियों के माध्यम से समझाया गया है, लिखा गया है कि आप सभी उनकी शहादत को याद कर सकें। और बाकी जितनी भी यातनाएं उन्होंने सही है हम लोगों के लिए, तो एक तरह से प्रेरणादायक हो। और यहाँ पे देख सकते हैं जो सामने मैं जा रहा हूँ दिखा रहा हूँ, यहीं पे एक घर बनाया जाता है जिसमें भगवान यीशु पैदा होते हैं, और यहीं पे दिखाया जाता है। ये देख सकते हैं घास से फ्रेंड्स जो कि इस ग्राउंड में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ माय चैनल एम पी द बेल आइकन, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। मैं मुगल सरा का ही हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हर महादेव की सपोर्ट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.